पेपर लीक कांड में लाखों के इनामी बदमाश पकड़े गए। फरार था गिरोह का मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका सहयोगी योगेश्वर राव। मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर पर 1 लाख का इनाम घोषित था। एसटीएफ ने लखनऊ से दोनों को धर दबोचा। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बस इतना ही या फिर आगे भी है कुछ और। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में बवाल जस का तस है। एसटीएफ ने गिरफ्तारियां तो की, तारीफ भी हुई। पेपर लीक करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, ये बात कुछ समय पहले ही सामने आई। सैयद सादिक हुसैन मूसा और योगेश्वर राव काफी दिनों तक फरार चल रहे थे। ये दोनों ही गिरोह के सरगना बताए जा रहे थे। दोनों के ऊपर उत्तराखंड पुलिस ने लाखों का इनाम भी घोषित कर दिया था। अब सैयद सादिक मूसा और उसके करीबी सहयोगी योगेश्वर राव को एसटीएफ लखनऊ ने धर दबोचा है। मूसा पर उत्तराखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए और योगेश्वर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों को एसटीएफ उत्तराखंड पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी। इनके पास नकदी भी बरामद की गई। दोनों को उत्तराखंड एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया। इस गिरोह के अब तक करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसा मूल रूप से अम्बेडकर नगर के अब्दुलपुर सहजादपुर का रहने वाला है। वहीं गाजीपुर के साहबुद्दीनपुर भड़सर निवासी योगेश्वर राव उर्फ राजू पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों के नाम का खुलासा गिरोह के सदस्यों ने एसटीएफ उत्तराखंड के अधिकारियों से पूछताछ में किया। दोनों लखनऊ के इंदिरा नगर के बी ब्लॉक जैन मंदिर के पास शरण लिए हुए थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के कार्यवाहक SSP विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई। दोनों ने बताया कि RMS सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा पेपर छापा गया। मूसा व योगेश्वर ने यह भी जानकारी दी कि RMS कंपनी में काम करने वाले कासान शेख ने ये जानकारी उनको दी। कासान शेख ने यह भी बताया कि परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित होगी। कासान शेख के साथ 8 लाख रुपए में पेपर का सौदा तय किया गया। हल्द्वानी के एक होटल में यह तय हुआ कि पेपर का दाम 10 लाख प्रति परीक्षार्थी रखा जाएगा। इसके बाद शशिकांत सिंह और बिजनौर के धामपुर निवासी केंद्रपाल सिंह को पेपर दे दिया गया। हल्द्वानी में ही शशिकांत और केंद्रपाल से मुलाकात के बाद पेपर की कीमत को 10 लाख रुपए तय किया गया। परीक्षा के बाद शशिकांत ने योगेश्वर राव को 20 लाख रुपए भी दिए। बाकी की रकम बाद में देने का वादा किया गया था। जो रकम मिली थी योगेश्वर ने उसे काशांत शेख को दे दिया। लेकिन इसके बाद स्क्रीनिंग हुई, 100 परीक्षार्थी संदिग्ध पाए गए। इसके आधार पर जांच शुरू हो गई, केस दर्ज किया गया। आपको ये भी बता दें कि अभी तक एसटीएफ की टीम ने करीब 41 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड पकड़े जाने के बाद सवाल ये भी है कि क्या ये इस केस का अंत है या फिर इसका मास्टरमाइंड कोई और भी है। संवाद 365 के लिए VK शाह की रिपोर्ट।